हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन दिस वीडियो। आज हम फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर के बारे में बात करेंगे, विच इज़ रिटन बाय विलियम डगलस। ये स्टोरी विलियम डगलस का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसमें वो हमारे साथ में उनके पानी के फियर, उनका जो वाटर फियर था, पानी का जो डर था, उसके बारे में बात कर रहे हैं और कैसे उन्होंने अपने डर को कॉन्कर किया, उस पर काबू पाया, इसके बारे में हमें इस लेसन के अंदर जानने को मिलेगा। सो हम इस चैप्टर के थ्रू विलियम डगलस की मोटिवेशनल जर्नी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में रीड करके हिंदी में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। ऑल राइट, सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर। सो फर्स्ट लेट अस वी रीड अबाउट द ऑथर। विलियम डगलस वॉज बॉर्न इन 1898 एंड अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट द वर्ल्ड इन 1980। इनका जन्म मिनेसोटा के मायन नाम की जगह पर हुआ। After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. William अपनी graduation के बाद Yakima में ही एक high school में 2 सालों तक teaching करते रहे। उन्होंने अपनी graduation English और Economics से की। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. लेकिन फिर उन्होंने इस profession से bore होकर दूसरे करियर में स्विच करने के बारे में सोचा और उन्होंने एज अ करियर लीगल प्रोफेशन को चूज़ किया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू रूजवेल्ट। और जब वो अपने लीगल करियर को परस्यू करने के लिए येल यूनिवर्सिटी गए, तो वहाँ उनकी मुलाकात USA के प्रेसिडेंट, जो काफ़ी पॉपुलर रहे, उनके साथ में हुई। और फिर रूजवेल्ट के साथ में उनकी अच्छी दोस्ती हुई और वो उनके लीगल एडवाइज़र भी बन गए। डगलस वॉज लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगलस इंडिविजुअल राइट्स के एक बहुत ही जाने माने फेमस वकील थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स। और जब वो फाइनली रिटायर्ड हुए, 36 ईयर्स अपनी सर्विसेज कोर्ट में देने के बाद में, लीगल करियर को देने के बाद में जब वो रिटायर हुए, एंड दैट रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। पूरे USA में जो कोर्ट की हिस्ट्री रही थी, उसमें वो सबसे ज़्यादा समय तक काम करने वाले जस्टिस रहे। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन बाय विलियम ओ डगलस। विलियम डगलस ने एक बुक लिखी और उसी किताब से लिया हुआ एक हिस्सा, जिसमें वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ डीप वाटर। इट रिवील्स हाउ अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रोन इन अ स्विमिंग पूल। इस लेसन में वो बात कर रहे हैं कि कैसे एक छोटा सा लड़का, जो कि विलियम खुद ही हैं, वो स्विमिंग पूल में डूबने ही वाले थे। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. इस लेसन में विलियम उनके पानी को लेकर डर के बारे में बात कर रहे हैं और वो हमें बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने पानी के सबसे बड़े डर को काबू किया। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. इसमें हमें विलियम के शब्दों में ही उन्हीं का एक पर्सनल एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा। तो इस लेसन की जो टोन होगी, जिसमें विलियम अपने ही शब्दों में अपने ही एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, इसलिए बोला गया है कि इस लेसन की जो टोन है वो ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब विलियम खुद का एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं। सो दिस वॉज अबाउट द ऑथर। अब हम आगे चलेंगे और जंप करेंगे सीधे चैप्टर के अंदर एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी। सो कहानी स्टार्ट होती है, इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। विलियम बताते हैं कि जब वो 10 या फिर 11 साल के थे, ये तब की बात है। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, देयर वाज अ पूल एट YMCA इन यकीमा दैट ऑफर्स एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो विलियम ने तब डिसाइड किया, जब वो 10-11 साल के थे, कि वो स्विमिंग सीखेंगे। और उस समय पर वहाँ पर जहाँ वो रहते थे, तो उधर YMCA नाम का जो स्विमिंग पूल था यकीमा में जहाँ पर विलियम रहते थे, तो केवल यही पूल स्विमिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता था। द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। अब जो यकीमा नाम की जगह थी, वहाँ से जो नदी निकलती थी, उसका नाम भी यकीमा के नाम पर ही पड़ गया था। इट वॉज नेम्ड एज यकीमा रिवर। सो मदर कॉन्टिन्यूसली वॉन
अगेंस्ट इट एंड कैप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। लेकिन उनकी जो मदर थी, विलियम की मदर, उनको हमेशा वॉर्न किया करती थी वो अगर स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो किसी सेफ जगह पर जाएं, और कभी भी उनको स्विमिंग के लिए यकीमा रिवर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो हमेशा विलियम को ये याद दिलाती रहती थी कि कैसे जो लोग उस नदी में स्विमिंग करने के लिए गए डूब गए उसमें और उनकी डेथ हो गई। तो उनकी मदर नहीं चाहती थी कि विलियम उस रिवर में स्विमिंग सीखें, तो इसी वजह से वो उनको हमेशा वॉर्न किया करती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, इट ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड And while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. लेकिन जो YMCA स्विमिंग पूल था वो काफ़ी सेफ था, शैलो एंड पर वो 2 से 3 feet तक गहरा था और डीपेस्ट एंड उसका जो था वो 9 feet तक डीप था, जो कि यूजुअल है एक स्लोप टाइप में, जैसे कि स्विमिंग पूल का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वैसा ही। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। विलियम बताते हैं कि उन्होंने जब स्विमिंग सीखने का डिसाइड ही किया तो जब वो स्विमिंग सीखने के लिए पूल पर गए तो उन्होंने अपने वाटर विंग्स पहने और वो स्विमिंग पूल में गए। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट। विलियम को नेकेड बिना कपड़ों के पानी में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उन्हें नफरत थी इससे, अपनी स्किन को दिखाने से उन्हें नफरत थी। एंड शो माई स्किनी लेग। और इसका बड़ा रीज़न तो ये था क्योंकि विलियम बहुत ज़्यादा पतले दुबले थे, तो इसलिए उनको ये पसंद नहीं आता था कि वो अपने पतले पतले पाँव को लेकर स्विमिंग पूल में जाएं जिससे लोग उनका मजाक उड़ाएं। तो ही वॉज क्वाइट शाई गोइंग नेकेड इनटू द स्विमिंग पूल, बट आई शब्ड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन विलियम बोलते हैं कि उन्होंने अपने शर्म को और अपने ईगो को दोनों को साइड में रखा और वो स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल के अंदर गए। फाइनली उनको स्विमिंग सीखनी ही थी, तो इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास में था नहीं कि वो अपनी हेजिटेशन के साथ में ऐसा कर पाए, इसलिए उनको अपनी हेजिटेशन और अपना ईगो दोनों ही साइड में रखना पड़ा। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। तो उनको पानी में खड़े रहना, पानी के अंदर रहना ये अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है और इंसिडेंट है जिसको वो हमारे साथ में शेयर करते हुए ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तकरीबन 3 से 4 साल के, तो वो उनके फादर के साथ में कैलिफोर्निया के समुद्र के बीच पर जाते थे। तो वहाँ ऐसा क्या हुआ देखते हैं। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, आई हंग ऑन टू हिम And yet the waves knocked me down and swept over me. तो वो अपने फादर के साथ में वो बीच के किनारे पर खड़े हुए रहते थे और वहाँ पर जो लहरें आती थीं उनके बीच में वो खड़े रहते थे। अब क्योंकि जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और विलियम इसके डर से अपने फादर के हाथ को कस के पकड़ लेते थे जिससे वो गिरे नहीं। लेकिन लहरें जो वेव्स थी, जो सर्व्स थी, वो काफ़ी पावरफुल थी और जब वो विलियम के ऊपर से निकलकर जाती थी तो विलियम घबरा कर नीचे गिर पड़ते थे और उनका हाथ भी छूट जाता था। आई वॉज बॉरेड इन वाटर, माई ब्रेथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटन। और जब ऐसा होता था तो वो बिल्कुल पानी के प्रेशर की वजह से नीचे गिर जाते थे और उनकी सांस नहीं आती थी। पानी जब उनके ऊपर से निकल कर जाता था तो उनका दम घुट जाता था और वो बहुत ज़्यादा डर जाते थे। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। अब ये सब कुछ देखकर उनके फादर तो हंसते थे, लेकिन विलियम ये बताते हैं कि ये एक्सपीरियंस इतना खौफनाक था उनके लिए कि इस डर ने उनके दिलो दिमाग में एक खौफ ला दिया था और वो पानी से डरने लगे थे और वो पानी से नफरत करने लगे थे। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि इस इंसिडेंट के बाद से ही उनके दिलो दिमाग में पानी का जो डर था वो हावी हो गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरी एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर। अब जब वो पानी के अंदर गए YMCA स्विमिंग पूल के अंदर, तो उनका जो बचपन का डर था, वो 3 से 4 साल के जब होते थे अपने फादर के साथ में वो बीच पर जाते थे, इस इंसिडेंट की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और जब वो पानी में जाते थे तो उनका जो बचपन का डर था, जो चाइल्डिश फियर था, वो लौट आता था।
बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस. लेकिन थोड़ा सा ही समय बीता, उनका ये जो बचपन का डर था धीरे धीरे ख़त्म होने लगा. आई पैडल्ड विद माई न्यू वॉर्ड ऑफ विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम. विलियम धीरे धीरे अपने वाटर विंग्स के साथ में पानी के अंदर पैडलिंग करने लगे और वो धीरे धीरे तैरना भी सीख रहे थे. सब कुछ अच्छा हो रहा था और वो दूसरे जो भी लड़के आते थे वहाँ पर स्विमिंग सीखने के लिए, उनको देख देख कर उनकी वो नकल किया करते थे और उनको ही देख कर वो स्विमिंग किया करते थे. जैसा वो करते थे वैसा वैसा ही वो खुद करते थे. आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वॉटर वैन द मिस एडवेंचर हैपन्ड. विलियम डिफरेंट डेज पर 2 या 3 बार इस तरीके से स्विमिंग किया करते थे. सब कुछ बेहतर होता जा रहा था, वो धीरे धीरे स्विमिंग सीख भी रहे थे, सब कुछ ईजी होता जा रहा था उनके लिए. और ये केवल तब तक ही था जब तक उनके साथ में ये बड़ा मिस एडवेंचर, एक जो दुर्घटना थी, वो नहीं घटी थी. अब ये दुर्घटना क्या थी इसके बारे में वो हमसे आगे इसके बारे में बात करेंगे. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, द प्लेस वॉज क्वाइट. विलियम बताते हैं कि एक दिन वो स्विमिंग पूल पर अकेले ही गए और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली वहाँ पर कोई नहीं था और वो उस स्विमिंग पूल पर अकेले ही थे. और वो जो जगह थी, जो स्विमिंग पूल था, वो काफ़ी क्वाइट था क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर कोई लोग तो थे नहीं, इसी वजह से वो जगह काफ़ी शांत थी. द वॉटर वॉज स्टिल, पानी ठहरा हुआ था. एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब. और जो स्विमिंग पूल का सरफेस था, जो उस पर लगी हुई टाइल थी, वो बिल्कुल ऐसी विजिबल थी जैसे कि बाथटब होता है. मतलब पानी ठहरा हुआ था और क्रिस्टल क्लियर वो स्विमिंग पूल के सरफेस को देख पा रहे थे. आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग अलोन, सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स. अब विलियम को स्विमिंग पूल में अकेले जाने में डर लग रहा था, इसीलिए वो वहीं साइड में ही बैठ गए स्विमिंग पूल के और वो दूसरे लोगों के आने का भी वेट करने लगे. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years old. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. ज़्यादा लंबा समय तो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद ही एक बहुत बड़ा सा लड़का स्विमिंग पूल पर आया. वो तकरीबन 18 ईयर्स का रहा होगा और उसके चेस्ट पर थिक हेयर्स थे और वो काफ़ी लंबा चौड़ा हेल्दी सा एक फिज़िकल स्पेसिमेन की तरह लग रहा था. ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोज रैपलिंग मसल्स. वो काफ़ी बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का था और उसके हाथ और पैरों की जो मसल्स थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. मे बी कि वो लड़का जिम भी जाता होगा, लेट्स अज्यूम. ही येल्ड, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. अब जैसे ही वो लड़का वहाँ पर आया, विलियम ने उस लड़के को देखा, तो वो जो लड़का था उसने विलियम से पूछा, उनका मजाक उड़ाते हुए उनसे पूछा कि तुम इस पानी में कैसे डूबना चाहोगे. एक बहुत ही सरकास्टिक वे में उसने विलियम से पूछा. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. और उसने ऐसा बोला ही था, विलियम को तो सोचने का मौका भी नहीं मिला और उसने विलियम को उठाया और सीधा पानी में फेंक दिया. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, सॉलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. और जैसे विलियम बैठे हुए थे वैसे ही उसने उनको उठाया और पानी में फेंक दिया और वो सिटिंग पोजीशन में ही पानी के अंदर चले गए. ऑब्वियसली क्योंकि अचानक से विलियम पानी के अंदर गए थे तो उन्होंने सांस लेने की कोशिश की और जिसकी वजह से वो पानी को निगल गए, उनकी नाक से पानी उनके फेफड़ों तक चला गया और एक ही बार में वो स्विमिंग पूल के अंदर चले गए. आई वॉज फ्राइटन बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स. अब जब ये सब कुछ हुआ तो विलियम वास्तव में डर गए थे, लेकिन वो इतने भी नहीं डरे कि वो हार मान जाए. और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उन्हें अपनी चतुराई पर, अपनी इंटेलिजेंस पर काफ़ी भरोसा था. तो डर तो था लेकिन एक भरोसा भी था कि वो कुछ ना कुछ तो तरीका निकाल लेंगे अपने आप को बचाने का. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जम्प. विलियम जब पानी में डूब ही रहे थे, जब वो हाफ वे में थे, तो उन्होंने प्लान किया कि जब वो पानी के सरफेस पर पहुँचेंगे तो वो सरफेस पर पहुँच कर जोर से जंप करेंगे
come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. और वो जोर से जंप करेंगे और जंप करके जब वो पानी के फ्लैट टॉप पर आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे, तो वो तैर कर अपने हाथ पैरों को मार कर पानी से तैर कर बाहर आ जाएंगे और वो स्विमिंग पूल से भी बाहर आ जाएंगे. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. लेकिन जैसा विलियम ने सोचा था वैसा तो एक्चुअल में नहीं हुआ. तो हुआ क्या? विलियम ने सोचा था कि वो जल्दी ही पानी के सरफेस पर, मतलब स्विमिंग पूल के सरफेस पर नीचे पहुंच जाएंगे, फिर वो जंप करेंगे. लेकिन वो धीरे धीरे, इतने धीरे पानी के अंदर जा रहे थे कि उनके पैरों के नीचे अभी भी वो स्विमिंग पूल का सरफेस नहीं आया था. मतलब जितना जल्दी वो सोच रहे थे कि वो पानी के बॉटम में पहुंच जाएंगे, उतना जल्दी वो पहुंच नहीं रहे थे. तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी जो जर्नी है, जो 9 feet की जर्नी है, वो 90 feet की हो गई हो, क्योंकि वो बहुत ही धीमे धीमे पानी के अंदर जा रहे थे. और जब ऐसा हुआ कि उनको टाइम ज़्यादा लगा, तो वो छटपटा रहे थे कि वो सांस भी ले लें, लेकिन जब उन्होंने सांस लेने की कोशिश की तो पानी ही अंदर गया, लंग्स में पानी भर गया और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो फट जाएंगे. बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, आई समंड ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड. और जैसे ही उनके पाँव स्विमिंग पूल के सरफेस से जाकर टच हुए, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत से जोर से छलांग लगाई ऊपर की तरफ. आई इमेजिन आई वुड बॉप टू द सर्फेस लाइक अ कॉक, इंस्टेड आई केम अप स्लोली. और जैसा कि उन्होंने सोचा था, इमेजिन किया था कि वो जल्दी से ही पानी के ऊपर आ जाएंगे जब वो जंप करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वो धीरे 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 पानी के ऊपर आ रहे थे. आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग. उन्होंने अपनी आँखें खोली और जब आँखें खोल के देखा तो पानी के अलावा उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया. बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट. आंखें खोलकर देखा तो केवल पानी ही दिखाई दिया और जो पानी था उसका जो शेड था वो हल्का सा येलोइश था. आई ग्रू पैनिकली, आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. अब ये देखकर वो घबरा गए और वो अपने हाथ पाँव को पानी में ही मारने लगे, ताकि उनके हाथ में, वो ऐसा सोच रहे थे कि जब वो अपने हाथ पैरों को पानी में मारेंगे तो उनके, ऐसा हो सकता है कि उनके हाथ में कोई रस्सी आ जाए या फिर उनके हाथ में कोई लैडर या फिर कोई नसेनी या फिर कुछ भी ऐसा सपोर्ट हो, कोई पाइप हो जिसे वो पकड़ लें और जिसे पकड़कर वो पानी के बाहर निकल जाए. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया, केवल जो आया वो केवल पानी था. आई वॉज सफोकेटिंग, उनका दम घुट रहा था पानी के अंदर क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे. आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट. उन्होंने चिल्लाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई पानी के अंदर हो, अगर वो शोर मचाएगा या फिर चिल्लाएगा तो उसका साउंड बाहर नहीं आएगा. और यही विलियम के साथ भी हुआ. उन्होंने चिल्लाया लेकिन कोई भी साउंड पानी के बाहर नहीं आया जो दूसरों को सुनाई दे सके. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ. और फिर थोड़ी देर बाद वो क्या रियलाइज़ करते हैं कि उनकी आँखें और उनकी नोज पानी के ऊपर तक आती हैं, लेकिन उनका मुँह अभी भी पानी के अंदर ही है. आई फील्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर सॉलोड एंड चोक्ड. आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज एंड रिजिड. वो सरफेस पर आ तो गए थे और उन्होंने जब चिल्लाने की कोशिश की कि उनकी आवाज़ को सुनकर कोई उन्हें बचा ले, तो उनका जो गला था वो चोक हो गया था क्योंकि उनके फेफड़ों में ऑलरेडी इतना पानी भर चुका था कि जब उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की तो कोई आवाज़ ही बाहर नहीं आई क्योंकि उनका गला चोक हो गया था. और फिर उन्होंने कोशिश भी की कि वो अपने पाँव को पानी में ज़ोर ज़ोर से मारकर या फिर पाँव को चलाकर कोशिश करें और पानी के बाहर आ जाएं या फिर पानी में तैर लें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. उनके जो पैर थे वो डर की वजह से बोले या फिर उनके लंग्स के अंदर जितना पानी भर गया था, स्पेशली वो डर की वजह से ऐसा हुआ था कि उनका जो शरीर था वो काफ़ी अकड़ गया था. उनके पाँव जो थे ऐसा लग रहा था कि वो अकड़ गए हों और वो पैरालाइज्ड हो गए हों, और उनके जो पाँव थे वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गए थे जिसकी वजह से वो तैर नहीं पा रहे थे. तैरना तो छोड़ो, वो मूव भी नहीं कर पा रहे थे.
अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। वो बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि कोई एक फोर्स थी, कोई एक ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी जो उनको अंदर की तरफ पानी में खींच रही थी। आई स्क्रीम बट ओनली द वाटर हर्ड मी। और फिर वो पानी के नीचे जब जाने लगे फिर वो ज़ोर से घबराकर चिल्लाए लेकिन उनकी आवाज़ पानी के बाहर नहीं आई। जिसने उनको सुन पाया वो था केवल वाटर। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और इस तरह से उनकी यात्रा दोबारा से उस स्विमिंग पूल के अंदर जाने की शुरू हो गई। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ as one in a nightmare fight an irresistible force। अब ये जो एक्सपीरियंस था विलियम के लिए काफ़ी डरावना था और ये एक डरावने सपने जैसा ही था, लेकिन फिर भी वो इतनी हिम्मत तो बनाए हुए थे और अपने प्लान के बारे में सोच रहे थे कि कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। हालांकि उनको ये पता था कि ये मुश्किल है क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत इतनी ताकत बची नहीं थी कि वो ये जो नाइटमेयर था, ये जो पानी का डर था और जो उनके साथ में हो रहा था उससे लड़ ले। लेकिन फिर भी वो सोच रहे थे कि कैसे भी करके मुझे इस पानी से बाहर तो निकलना ही है, जबकि उनके साथ में जो कंडीशन थी वो टेरेबल हो गई थी। क्या हुआ, आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। उनकी सांस ही नहीं आ रही थी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। माई लंग्स एक्ट। वो बताते हैं कि उनको जब सांस नहीं मिली तो उन्होंने जब ब्रेथ किया जिसकी वजह से पानी उनके लंग्स के अंदर गया तो उनके लंग्स में उनके फेफड़ों में दर्द होने लगा। माई हेड थ्रॉब्ड। और उनका जो ब्रेन था ब्रेन में भी पानी पहुंचने की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उनका जो ब्रेन था वो भी कांपने लगा था। इट वॉज़ गेटिंग डिजी। और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उनकी आंखों के आगे हल्का हल्का सा अंधेरा छाने लगा था। ही वॉज गेटिंग अनकॉन्शियस बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी। अब ये सब कुछ होने के बावजूद भी विलियम बताते हैं कि उनको अभी भी अपनी स्ट्रेटजी याद थी। क्या थी उनकी स्ट्रेटजी? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्प टू द सर्फेस। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वॉटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रस्ट विद माई लेग्स। Then I would get to the edge of the pool and be safe। उनकी स्ट्रेटजी साफ थी, जैसा कि उन्होंने पहले सोचा था कि जब वो पानी के बॉटम में पहुँचेंगे, बॉटम टाइल को छुएंगे और अपनी पूरी ताकत से वो जंप करेंगे, और जंप कर जब वो पानी के ऊपर आ जाएंगे तो वो पानी के ऊपर अपने हाथ पाँव को मारेंगे और पानी को हिट कर करके वो कैसे भी करके अपने आप को उस स्विमिंग पूल से बाहर ले जाकर बचा लेंगे। ये उनकी स्ट्रेटजी थी जो अभी भी वो सोच रहे थे, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज, नथिंग बट द वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। वो पानी के नीचे जाते ही जा रहे थे और जब उन्होंने इस ड्यूरेशन में, इस जर्नी में अपनी आँखें खोली तो उन्होंने क्या देखा, केवल पानी देखा। और वो पानी का जो शेड था वो येलो शेड था और वो इतना डार्क हो चुका था उनके लिए कि वो पानी के उस पार नहीं देख पा रहे थे। जहाँ पर भी वो देख रहे थे उनको केवल पानी ही दिखाई दे रहा था। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल। और फिर जब उनके साथ में ये हुआ, उन्होंने ये फील किया, तो वो हिम्मत हारने लगे थे। ये जो डर था उस डर ने विलियम को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ऐसा डर जिसमें कुछ भी समझ काम नहीं आ रही थी, कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा था, और विलियम का उस डर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। उल्टा विलियम उस डर के कंट्रोल में आ गए थे। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। विलियम बताते हैं कि ये एक ऐसा डर था जिसे कोई समझ नहीं सकता, एक्सेप्ट उस इंसान के जिसने ये एक्सपीरियंस किया हो। केवल वही इस डर को समझ सकता है, अदरवाइज कोई भी कॉमन पर्सन इस डर को नहीं समझ सकता जो अभी वो फील कर रहे हैं। आई वॉज श्रेकिंग अंडर वाटर। वो पानी के अंदर छटपटा रहे थे, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, स्ट्रेफ रिजिड विथ फियर। और उनकी जो पूरी बॉडी थी इस तरीके से पैरालाइज हो गई थी कि उनके हाथ पांव बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। उनका जो कंट्रोल था उनके बॉडी पार्ट से, उनके हाथ पैरों से, वो खो चुका था। किस वजह से ऐसा हुआ था? डर की वजह से।
इवन द स्क्रीम्स एंड माई थॉट्स वर फ्रोजन। और जो वो चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे कुछ हद तक के लिए, उन्होंने चिल्लाया, एक समय ऐसा आया कि उनकी जो चीखें थी वो उनके गले में ही, उनके थ्रॉट में ही जम गई। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। केवल धड़कता हुआ दिल और दिमाग, ये दोनों ही ऑर्गन थे जो काम कर रहे थे, जो विलियम को ये एहसास दिला रहे थे कि विलियम अभी भी जिंदा है। इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ द रीज़न। आई मस्ट रिमेम्बर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम। अब जब ये सब कुछ हो गया था फिर भी उनके दिमाग में थॉट्स तो आ ही रहे थे, तो विलियम को अपनी स्ट्रेटजी अभी याद थी कि जब वो बॉटम में पहुँचेंगे तो वो पूरी ताकत के साथ में जंप करेंगे पानी से बाहर आने के लिए। At last, I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. और फिर जैसे ही फाइनली वो टाइल्स पर पहुँचे, उनके जो पाँव थे वो टाइल्स पर लगे, तो उन्होंने पूरी ताकत, जितनी भी उनके अंदर अभी बची थी, वो पूरी ताकत से अपने आप को ऊपर की तरफ जंप करवाया। बट द जम्प मेड नो डिफरेंस। लेकिन ये इस जम्प का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। अभी भी वो पानी के अंदर ही थे। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। उन्होंने कोशिश की, देखने की कोशिश की कि कोई रस्सी हो जो पानी के अंदर पड़ी हुई हो, या फिर कोई लैडर हो, या फिर कोई वाटर विंग्स ही उनके हाथ आ जाएँ जिसकी वजह से वो पानी के बाहर निकल जाएं विद द हेल्प ऑफ दीज। लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया, जो आया वो केवल पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। विलियम को येलोइश कलर की वाटर ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। ये जो खौफ था, ये जो पानी का डर था, वो विलियम के दिलो दिमाग पर इस तरीके से छा गया था, हावी हो गया था कि बस विलियम बुरी तरह से छटपटा रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आई शुक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट। विलियम डर के मारे कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उनको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा हो। माई आर्म्स वुडन मूव, और उल्टा उनके जो हाथ पांव थे, माई लेग्स वुडन मूव, उनके हाथ पांव थे वो काम नहीं कर रहे थे, उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया था उन पर। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन। उन्होंने कोशिश की चिल्लाने की, हेल्प मांगने की उनके मदर से और दूसरे लोगों से, लेकिन कोई भी मदद उनकी तरफ नहीं आई और कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उनकी आवाज़ ही, वो पूल से बाहर नहीं जा पा रही थी। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज अ लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। और अचानक से उनको क्या फील होता है, उनको फील होता है कि वो पानी के ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे। जो येलोइश वाटर है वो ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि वो लाइट में ऊपर की तरफ आ रहे थे। एट लास्ट माई आईज़ वर, माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। और जब उन्होंने ये पाया तो उनकी नाक और उनकी आँखें ही पानी के बाहर आ पाई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और तीसरी बार वो फिर से पानी में डूब गए। आई शक फॉर एयर एंड गॉट वाटर। उन्होंने कोशिश की कि वो सांस ले लें, लेकिन जब उन्होंने सांस ली तो उनके फेफड़ों में फिर से पानी भर गया। मतलब उन्हें ऑक्सीजन तो नहीं मिली लेकिन बदले में जो मिला वो था पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। और जब ऐसा हुआ तो जो येलोइश लाइट थी अब वो गायब हो रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्ब। अब जब इतना उन्होंने ट्राई किया और इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो फिर इवेंचुअली उन्होंने सोच लिया था कि वो पानी से बाहर नहीं आ पाएंगे और उनकी डेथ अब श्योर हो गई है। तो फिर उन्होंने अपने सारे जितने भी प्रयास थे वो सब बंद कर लिए और वो ये सब करने के बाद में रिलैक्स हो गए, मतलब उन्होंने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। विलियम के जो पैर थे वो बिल्कुल उनमें जान ही नहीं थी, ऐसा उनको लग रहा था। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और उनकी आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। इट वाइप्ड आउट फियर। और जब ऐसा हुआ तो उनका जो डर था, जिसकी वजह से वो कांप रहे थे, जिसकी वजह से वो इतने खौफ में थे, वो डर ख़त्म हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब जो वो पहले पैनिक कर रहे थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था, तो जितना पैनिक वो कर रहे थे, जितना वो घबरा रहे थे, अब वो सारी घबराहट, सारा डर और टेरर
ख़त्म हो चुका था। जैसे ही उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, ही वॉज रेडी टू डाई। और जब उन्होंने डेथ को एक्सेप्ट किया तो वो काफ़ी पीसफुल हो गए और काफ़ी उनका दिमाग शांत हो गया। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज़ नाइस। टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू ट्राई टू जम्प। अब डरने जैसी कोई बात नहीं रही थी, ये काफ़ी अच्छा था। जैसे कि उनको ड्राउजी फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वो किसी एक लंबी स्लीप पर जा रहे हों। अब जब वो इतने पीसफुल हो गए थे, इतने काम हो गए थे, तो उनको अब जंप करने की कोई ज़रूरत, कोई भी एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली टू फ्लोटिंग अलॉन्ग इन स्पेस। एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, जैसे कि उन्हें लग रहा था कि वो स्पेस में तैर रहे हों पीसफुली। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे वो अपनी मदर की गोद में लेटे हों, और अब उनकी ख्वाहिश थी अपनी मदर की गोद में लेटे लेटे एक लंबी गहरी स्लीप पर गहरी नींद सो जाने की। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियंस एंड द कर्टेल ऑफ लाइफ फेल। उन्हें ये महसूस हुआ कि वो ऑब्लिवियन के कर्स को पार कर चुके हैं और उनकी ज़िंदगी बस अब यहीं थम चुकी है। इसका मतलब है कि अब वो ज़िंदगी और मौत के डर से ऊपर उठ गए थे, अब वो ज़िंदगी और मौत के डर से आगे निकल आए थे, और अब बस सब कुछ केम टू एन एंड। सब रुक गया था, सब थम गया था, सब ख़त्म हो चुका था।